नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और इस समय मैं देखने आया था कि यहाँ पर क्या प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जनवरी जो कि महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस था, और आज 31 जनवरी है। एक तरफ आज ये बातें कही जा रही हैं, कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों को लोग भूलते जा रहे हैं, और गांधी जी ने जो बातें बताई थी उन्हें भी अपने दिल से निकालते जा रहे हैं। और एक प्रयास है, धीमे धीमे एक ऐसा विचार बन रहा है जो गांधी जी के विरोधी हैं, और गांधी जी का विरोध करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, और उन्हें उनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगाते हैं। ऐसे माहौल में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी के चरखे को, उनके तरीकों को, उनके तौर तरीके को, उनके खादी को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक बाबूजी हैं जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन वो आए और वो चरखा कात रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मुसद्दीलाल गुप्ता। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा जन्म राजस्थान का है। अच्छा। लेकिन मेरा पालन पोषण कुछ राजस्थान में हुआ, कुछ दिल्ली में हुआ। हाँ। शिक्षा भी कुछ राजस्थान में हुई, कुछ दिल्ली में हुई। अच्छा। तो ये जो आप चरखा कात रहे हैं, जो धागा बना रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों करने की जरूरत पड़ी? ऐसा है, धागा बना रहे हैं, एक तो ये समय का सदुपयोग है। जो भी खाली समय हो, वो अपन अगर कुछ भी करने को नहीं है तो इसको करने में क्या आपत्ति है? आखिर इसका भी तो, मैं इसके द्वारा वस्त्र स्वावलंबी हुई, मेरे जो शरीर पे आप वस्त्र देख रहे हैं ना, ये इसी धागे के बने हैं। अच्छा, आपका आपने हाँ, पहने हुए हैं। हाँ। एक विनोबा जी का एक सूत्र है, काते सो पहने, पहने सो काते। तो इसलिए मैं चूंकि कपड़े पहनता हूँ, इसलिए मैं काटता हूँ। अच्छा, हर एक को काटना ही चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? तो बाबू जी, एक प्रश्न ये भी है कि आज जब मॉडर्न जमाना है, मशीनें हैं, मशीनीकरण हो चुका है, सारे कपड़े मशीनों से बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, जो एक आदमी मतलब जिस कपड़े को बनाने के लिए घंटों लगाता है, वो उसकी अपेक्षा कम समय में बना सकता है, तो फिर भी आज आपको क्यों लग रहा है कि लोगों को इसकी जरूरत है? ऐसा लग रहा है कि ये सवाल आप नहीं कर रहे, ये समय कर रहा है, और बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन ये देखिए, इन मशीनों ने क्या किया, लाखों करोड़ों लोगों को बेकार कर दिया, एक बात। दूसरी बात, हर एक के आदमी के पास में कुछ ना कुछ समय बेकार तो रहता ही है, चाहे वो कितना भी कमाता हो, कितना भी काम करता हो, तो उस समय का सदुपयोग कैसे हो? तो अगर अपन खाली रहेंगे तो जाहिर है कि मन हमें नीचे की तरफ ही ले जाता है। इसलिए अपने को संतुलन में बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम हमेशा कर्मरत रहें, और ये एक अच्छा उद्योग है, कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। फिर बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा आपको मालूम है प्रदूषण फैल गया है, आपको ये भी मालूम है कि वो उद्योगों पे जनता आश्रित रह गई है, तो वो जब मर्जी उनको निकाल देते हैं। तो हमें स्वावलंबी जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए, और जब तक स्वावलंबी जीवन नहीं जिएंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। 70-72 साल हो गया, लेकिन क्या हम कुछ पहुंच पाए? गांधी को कितना भी भुला लीजिए, पर गांधी को भुला नहीं पाएंगे। आपकी आवश्यकता ही गांधी को बार बार जन्म देगी, और आज हम उसी मुकाम पे खड़े हैं। आपको ऐसा लगता है बाबूजी कि जो वर्तमान समय है, इसमें गांधी के विरोधी कई सारे बढ़ गए हैं, और उन्हें तमाम मुद्दों पर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं? ऐसा है, गांधी के विरोधी नहीं बढ़ गए हैं, गांधी के जो प्रशंसक हैं वो मुखर नहीं है और कर्मरत नहीं है। जब हमारे अंग से, वाणी से बोलने से क्या होता है, हमारे चरित्र से गांधी का प्रभाव दिखना चाहिए, तो जाहिर है कि दुनिया आकर्षित होगी, क्योंकि समस्याएं उससे हल होंगी। समस्याएं हल होने का एक ही रास्ता है, वो गांधी जी का रास्ता है। और गांधी जी के, आपको ये मालूम बताऊं कि गांधी जी बहुआयामी व्यक्तित्व थे, तो कुछ लोग बाग राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व करने वाले निकले, उनमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद वगैरह को बोल सकते हैं। इसके अलावा उनका जो आध्यात्मिक पक्ष था, जो कि बड़ा मजबूत था, उसका जो प्रभावी व्यक्तित्व जो उनके मार्ग को लेके आगे चढ़ा, वो विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने गांधी जी के सभी आयामों को, जो रचनात्मक आयाम है, उनको बाकायदा जनता के सामने खोल के रखा है। उनका विपुल साहित्य है, हमें उसको पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय करेंगे तो हमें रास्ते मिलेंगे। गांधी सर, एक प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ है कि गांधी जी के जो सबसे कहा जाता है उनके हथियार थे सत्य और अहिंसा। हाँ।
आप लग रहा है कि आज उन पर चर्चा होती है, आज सब बातें बुलाई जा रही हैं वो, लेकिन सत्य अहिंसा पे चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है वो बात थोड़ी है। सर कल ही एक कल की ही एक घटना बताते हैं आपको। एक छात्र ने एक कोई छात्र नहीं था एक लड़का था जो एक यूनिवर्सिटी में जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, गोली चलाई इसके ऊपर। तो इस तरीके की अब धीमे धीमे जो ऐसा है वातावरण में कुछ लोग बाग ऐसे हैं जो कि बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं, उसका ये नतीजा हो सकता है। या तो वो पागल होगा है, विक्षिप्त होगा, लेकिन विक्षिप्त को यही काम क्यों सूझा, और भी काम सूझ सकते थे, लेकिन उसने ऐसे। इसका मतलब ये है अब हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो कि इस तरह से उनका दिमाग खराब कर रहे हैं, और उसी का वो नतीजा है। गांधी जी का ये एक वाक्य था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज लोग भगवान को भी बांट रहे हैं, कह रहे हैं मतलब अल्लाह, कोई अगर अल्लाह का नाम लेता है जो भगवान को जानता नहीं ना वो बांटेगा ही तो, और क्या करेगा, क्योंकि उसके पास में जिसे साम्य करने का तरीका ही नहीं है, तो बांटने के अलावा उसके पास में और कोई रास्ता नहीं। लेकिन ईश्वर तो एक ही है, और वो किसी का अलग अलग नहीं है। ईश्वर और खुदा कोई अलग अलग चीज़ थोड़ी है। तमाम तरह के लोग तमाम तरह की उपासना ही करते हैं, और वो उसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर अलग है। आपको एक बात बताता हूँ बहुत ही छोटी सी। हमारे यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ होता है, उसमें विष्णु के हजार नामों का वर्णन है। वो हजार नाम क्या हैं, वास्तव में वो उनके भगवान के गुण हैं। और हमारे यहाँ इस्लाम में भी अस्माउल हुस्ना नाम करके एक पुस्तक है, उसमें अल्लाह के 99 नामों का वर्णन है। वो तमाम 99 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में सम्मिलित है। तो बताइए धर्म अलग अलग कहाँ हुआ? नाम अलग होने से धर्म अलग नहीं होता, धर्म तो एक ही है। और वो एक्चुअल में क्या है, अब हमें ये नाना तरह के नामों से धर्म को पहचानने की बजाय धर्म का जो कॉमन फैक्टर है ना वो निकाल लेना चाहिए, और सबका एक ही होगा। और धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं करता। सब वर्तमान की बात की जाए अगर, तो राजनीतिक जो दिशा है मतलब भारत में, तो एक तरफ तो जो भारतीय अभी भारत सरकार जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी है, तो एक तरफ तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो ये कहते हैं गांधी जी की कई सारी बातें करते हैं, और मतलब गांधी जी के बारे में कुछ प्रोग्राम भी करते हैं और मनाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी में एक महिला है प्रज्ञा ठाकुर करके, अब वो जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी गोडसे को, वो देशभक्त बताती हैं। तो इस तरीके की एक विचारधारा उनकी उनकी पार्टी में भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं है। आपको क्या लगता है ये कितना खतरनाक है, और इस पर मतलब किस तरीके से सरकार को, अगर वास्तविक गांधी जी की वो चिंता करते हैं तो सरकार को किस तरीके से इस पर एक्शन लेना चाहिए था? इस तरह की जो विचारधारा रखता है ना, उसका हम सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, क्यों कि सरकार तो किसी दल की रहती है आजकल, और वो अपने दल को जो है किसी भी तरीके से वो सपोर्ट करती है, किसी भी तरह से सत्ता में कायम रहने का वो प्रयत्न करती है। तो मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, मैं तो आम लोगों के बारे में ये कह सकता हूँ, अब ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और हमारे खुद के चरित्र में गांधीवाद, गांधी जी के सिद्धांत कैसे कितने आए हैं, इसका बाकायदा चिंतन करना चाहिए। कमी अपनी निकालिए, आप अपनी हम कमी निकालेंगे तो गांधी सर्वत्र अपने आप ही स्वतः फैल जाएगा, उसके लिए हमें ज़्यादा कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें अपनी शुद्धि की आवश्यकता है, चित्र शुद्धि की। आपको क्या लग रहा है कि गांधी से किसी मतलब एक राजनीतिक पार्टी है उसे खतरा है, मतलब गांधी इसलिए गांधी जी को बुलाए जाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब गांधी जी को? गांधी जी तो हमारे आप सबके अंदर ही हैं ही, उनकी जो विचारधारा है ना वो, या उनके जो सिद्धांत हैं उनको हम अपने अंदर जगाएंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। अपनी चित्त शुद्धि जैसे जैसे होती चली जाएगी हम तरक्की करते जाएंगे, और दूसरे ये तो ये जो विकार जो फैले हुए हैं ना ये स्वतः समन हो जाएंगे। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि अगर आप बेकार हो तो कुछ काम नहीं मिल रहा है? ऐसा है, युवाओं के लिए संदेश भाई साहब एक ही है, वो ये है, दो बातें हैं, एक तो ग्राम स्वराज के लिए काम कीजिए। अपनी जो है जगह, हमारी असली जगह वो गाँव में है, गाँव स्वावलंबन के लिए काम करिए, और गाँव का गांव को गणराज्य बनाने के लिए काम करिए। शक्ति का सन्निहन सन्निहित गांव में होनी चाहिए, और ग्राम सभा के माध्यम से, और हमें गांव को मजबूत करना चाहिए, स्वावलंबी करना चाहिए, और हमारी सारी समस्याओं को हल करना चाहिए। एक बात मैं और कहूँगा कि जनता को अबर्याद रूप से बढ़ाने की बजाय
हमें जो है ब्रह्मचर्य का उपयोग जानना चाहिए, वो एक उसका एक शास्त्र है, उसको समझना चाहिए और अपने पर अंकुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।